लेकिन उन तमाम जादुओं का ख्वाजा गरीब नवाज पे कुछ असर ना हुआ। बिलाखिर वो हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे कि यकीनन ये आम इंसान नहीं, इस पे अल्लाह का करम है और जिस पे अल्लाह का करम हो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो जादूगर कहने लगे कि इसके चेहरे का नूर बता रहा है कि ये सच्चा है और जिस दीन पे ये होगा वो दीन भी सच्चा है। वो सब के सब जादूगर मुसलमान बन गए। इस बात से ख्वाजा गरीब नवाज की शोहरत राजस्थान में और भी बढ़ गई। तो पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों पे जुल्म करना शुरू कर दिया और मुरीदों को कैद कर दिया और पैगाम भिजवाया कि अगर तुम ये राजस्थान छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे मुरीद तुम्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो मैं उन्हें मार दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों से बहुत प्यार किया करते थे। उन्होंने कहा, सिर्फ ये बात है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अब ये सल्तनत मुझे बुलाएगी, ये जमीन मुझे बुलाएगी और तुम जल्द मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार किए जाओगे। पृथ्वीराज चौहान हंसने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को लेके चले गए। उन दिनों शहाबुद्दीन गोरी, जो पृथ्वीराज चौहान से बुरी शिकस्त खा के बैठा था, वो बार बार अपनी शिकस्त को याद करके रोता रहता था। एक दिन उसकी ख्वाब में एक अल्लाह का वली आया और कहने लगा, ऐ शहाबुद्दीन उठो, जाओ पृथ्वीराज चौहान से जंग करो, वो जल्द तुम्हारे हाथों कैद होगा। तो बस वो अफगानिस्तान से चला और राजस्थान पे काबिज हो गया और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर दिया। जैसे ही कैद करे तो लोग कहने लगे कि एक फकीर हुआ करता था जिसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये पृथ्वीराज चौहान जल्द मुसलमानों के हाथों कैद होगा। तो शाहगोरी ने कहा, मैं उस फकीर को ढूंढना चाहता हूँ। अपने तमाम फौजियों को कहता है कि जाओ अल्लाह के उस वली को ढूंढो। बस ढूंढते ढूंढते ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे आके वो फौज पहुंची और हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, आए अल्लाह के वली, आपको राजस्थान का बादशाह अजमेर का हाकिम बुला रहा है, आपके कदम चूमना चाहता है। बस ख्वाजा गरीब नवाज जब शान और शौकत के साथ अपने मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचते हैं तो शहाबुद्दीन गोरी कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि वही वली तुम हो जो मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे कहा था कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को तुम्हारे हाथों कैद करवा दिया और पूरी जिंदगी आपका गुलाम बन के जी।